देखें, हेलो स्टूडेंट, हम बात कर लेते हैं चैप्टर टू के बारे में। चैप्टर वन आपका फिनिश हो चुका है और आपको जो कंटेंट हमने कवर कराया उतना ही आपको कवर करना है। क्रैश कोर्स के लिए इतना इनफ है। अब बात करते हैं चैप्टर टू में। चैप्टर टू आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ही केयरफुली पढ़ें और जो बहुत ही सिलेक्टिव सिलेक्टेड टॉपिक हम कवर कराएंगे। अब बात कर लेते हैं हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। देखिए, अब यहां पर ये तो आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक क्या होता है, सभी को पता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, ये सारे किस्म आता है ट्रिगोनोमेट्री में। अब हम बात करते हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में, क्योंकि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था वन वन ऑन टू। अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इट मींस वो फंक्शन कैसा होता है, इनवर्टिबल। इट मींस अगर कोई फंक्शन वन वन है ऑन टू है तो डेफिनेटली उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कहने का सेंस यही है कि अगर आपसे कहीं फाइंड करवाता है कि चेक करो ये फंक्शन इनवर्टिबल है कि नहीं है, बिफोर इनवर्टिबल बिफोर इनवर्स आपको चेक करना पड़ेगा फंक्शन वन वन है या वन वन है और ऑन टू है। अगर वन वन ऑन टू होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वन वन ऑन टू पढ़ने के लिए हमारी प्रीवियस वीडियो है, आप वहां से देख लें और आपको वहां से पूरा डिटेल में आपको नॉलेज मिल जाएगी। अब बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। देखिए, अब आपको यह तो पता लगा इनवर्स फंक्शन होता क्या है। अगर इनवर्स फंक्शन बात कर लें तो इसमें होना चाहिए आपका वन वन और ऑन टू। अगर फंक्शन आपका वन वन है ऑन टू है तो इट मींस इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स फाइंड करेंगे आप यहां से। देखिए, अब नॉर्मली बात कर लेते हैं, आपको ये बताएगा साइन की जो डोमेन होता है, साइन एक फंक्शन है, साइन एक्स आपका, उसका डोमेन क्या होता है माइनस 90 से प्लस 90, रेंज क्या होती है माइनस 1 से प्लस 1। ये डोमेन रेंज डिसाइड करता कौन है, आपने नॉर्मल देखा बुक में पढ़ा कि डोमेन ये रेंज है, आपने रट लिया। अब लेकिन बात कर लेते हैं ये सब कुछ डिसाइड करेगा वो कौन, फंक्शन डिसाइड करेगा आपका, फंक्शन से डिसाइड हो जाएगा ये इसका डोमेन है ये इसकी रेंज है। तो बात कर लेते हैं सीधे टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि टाइम ही बहुत शॉर्टेज है, तो हम बात कर लेते हैं सीधे ग्राफ के बारे में। देखिए, यहां पर स्टार्ट करते हैं हम y इक्वल टू साइन एक्स। देखिए, साइन एक्स फंक्शन के बने आपको पता है साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, यहां लिख लेता हूं साइन जीरो क्या होता है जीरो, साइन 90 क्या होता है वन, 180 क्या होता है जीरो, 270 क्या होता है आपको हो जाएगा माइनस वन, 2π होता है जीरो। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री में ज्यादा नॉलेज नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए साइन जीरो कितना होता है जीरो, 90 क्या होता है वन, 180 क्या होता है जीरो, ये होता है आपका माइनस वन और 2π होता है जीरो। तो इससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जहां पर वैल्यू वन है वहां पर ग्राफ कहां जाएगा ऊपर जाएगा, और जहां वैल्यू क्या माइनस वन वहां ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे जाएगा, और जहां वैल्यू जीरो की वहां ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब देख लेते हैं यहां पर, तो यहां पर देख लेते हैं फंक्शंस के बारे में इनवर्स कैसे निकालते। देखिए, ये आपका हो गया जीरो, दिस इज 90, दिस इज 180 एंड 270 एंड दिस इज 360, सेम ईयर माइनस 90 माइनस 180 इसी तरह से कर लेते हैं माइनस 3π/2, इतना ही इनफ है। अब देखिए, मैंने बताया था जहां पर वैल्यू प्लस वन है वहां पर ग्राफ आपका एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा, जहां वैल्यू माइनस वन है वहां ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे आएगा, और जहां वैल्यू जीरो है वहां वहां आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो देख लेते हैं साइन जीरो वैल्यू क्या होती है जीरो, तो ग्राफ यहां आपको टच करेगा एक्स एक्सिस को, यहां वैल्यू क्या होती है जीरो यहां टच करेगा। तो नॉर्मली देख लेते हैं ग्राफ कैसे ड्रा होगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। देखिए, ये आपका कैसे ग्राफ ड्रॉ होता है देख लेते हैं। यहां पर देखिए साइन जीरो क्या होता है जीरो, साइन 30 क्या होता है 1/2, थोड़ा ऊपर आएगा 1/2, फिर आएगा साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 क्या होती है हाईएस्ट वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से फिर 90 के बाद जाएंगे तो वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है, और 180 फिर दोबारा क्या होती है जीरो। अब देखते हैं वैल्यू यहां पर क्या होती है माइनस वन, तो यहां पर ग्राफ क्या जाएगा आपका माइनस वन तक जाएगा इस तरह से, जहां जीरो हो जाएगा। सेम ईयर माइनस 90 क्या होता है आपका माइनस वन, और यहां पर दोबारा क्या हो जाएगा आपका जीरो, इसी तरह ग्राफ आपका चलता रहेगा। देखिए, अब आपने ऑब्जर्व किया डोमेन क्या होता है, डोमेन
अगर किसी फंक्शन में हम एक्स की जो वैल्यू या थीटा की जो वैल्यू पुट करते हैं, पुट करने पर जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है आपकी रेंज, और जो हमने पुट किया वो क्या होता है डोमेन। अगर मैं बात करूं वाई इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, अब यहां एक्स क्या है एंगल शो कर रहा है। अब देखो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, देखिए यहां पर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है आपकी प्लस वन, और मिनिमम वैल्यू कितनी आपकी देखिए मिनिमम वैल्यू आपकी माइनस वन, ये आपकी प्लस वन होगी हाईएस्ट, मिनिमम होगी माइनस वन। तो अगर नॉर्मल देखिए साइन एक्स एक फंक्शन है तो इसका डोमेन कितना है, डोमेन देखिए ये आपका होगा प्लस 90, यहां पर क्या आपका माइनस 90, और देखिए रेंज मतलब क्या होता है हाईएस्ट वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा माइनस वन टू प्लस वन। ये आपने ग्राफ जो ड्रॉ किया है y इक्वल टू साइन एक्स का ड्रॉ किया, ठीक है अभी आपने इनवर्स का ड्रॉ नहीं किया है। तो अब नॉर्मली देखें तो यहां पर देखिए हाईएस्ट वैल्यू कहां दे रहा है प्लस 90 पर, मिनिमम कहां दे रहा है माइनस 90 पर, तो इट मींस ये आपका होगा डोमेन, प्लस 90 और माइनस 90 आएगा डोमेन के अंदर, और हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है आपकी प्लस 1, मिनिमम क्या जा रही है माइनस 1, तो इट मींस ये आपकी होगी रेंज। अब लेके हमें क्या निकालना है इनवर्स फंक्शन निकालना है, तो इनवर्स फंक्शन आपने पढ़ा होगा जब ऑन टू प्रूव करते थे उल्टा कर देते हैं, तो यहां से अगर निकालना साइन इनवर्स करने लग गए ये फंक्शन है, तो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा माइनस 1, और देखिए रेंज क्या हो जाएगी इसकी माइनस 1 टू जाएगी, इस तरह रेंज होगी माइनस 90 टू प्लस 90। देखिए ये आपका आ चुका है, जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया था वाई इक्वल टू साइन एक्स का, उस केस में डोमेन आपका माइनस 90 टू प्लस 90 और रेंज क्या आती है माइनस 1 टू प्लस 1। अब देखिए बात कर लेते हैं अब साइन इनवर्स की बात करें तो साइन इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है इंटरचेंज हो जाता है, तो इट मींस अब डोमेन क्या हो चुका है माइनस 1 टू प्लस 1 और रेंज क्या है माइनस 90 टू प्लस 90। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें ऑब्जेक्शन हो सकता है कि अगर मैं देखिए यहां पर भी क्या आ रही है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे अगर यहां बात करें यहां पर भी वैल्यू माइनस 1 है और यहां पर भी वैल्यू क्या आएगी प्लस 1 आएगी, ये बच्चे बहुत सारे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो इसका हम देख लेते हैं। अब देखिए आपने नॉर्मली देखा कि साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है इसका डोमेन ये और रेंज ये, अगर हम इसका डोमेन क्या ले लें अगर माइनस ये ले लिया 3π/2, यहां पर ले लो माइनस 3π/2, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो एक काम कर ले प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था अगर कोई फंक्शन वन वन है ऑन टू है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यहां देख लेते हैं साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसका प्रूफ देख लेते हैं अभी। तो ये आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि साइन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है, अब साइन इनवर्स एक्स का भी डोमेन ये है और रेंज आपकी ये है। अब प्रूफ देख लेते हैं कि आपने जो डोमेन निकाला है, देख लेते हैं क्या निकाला, देखिए इस तरह कुछ देख लेते हैं, यहां पर इस तरह ग्राफ बनाए, ये आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिला होगा आपको, ये आपका है प्लस 90 और ये आपका है कुछ बस माइनस 90। अब देखिए इस तरह ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, अब देखिए मैं इस ग्राफ पर रेस्ट्रिक्शन किया है। अब बात कर लेते हैं बर्मन ऑन टू के बारे में कि हमने इसका डोमेन यही क्यों लिया रेंज यू के लिए, देखिए अब बात करें अगर माइनस 90 की बात करें साइन माइनस 90 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 90 की वैल्यू होती है माइनस 1, अगर बात करें माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है माइनस रूट 3/2, अब बात करते हैं किसकी माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है माइनस 1/√2, पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है माइनस में माइनस 1/2, जीरो वैल्यू क्या होती है जीरो, पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 1/2, पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, यहां से पाई बाई 2 ऐसे एक जंप कर दिया मैंने 90 को होती है 1, इस तरह देखिए आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये सेट ए हो गया या सेट बी हो गया, ये आपका डोमेन और ये आपका रेंज। तो आपने देखा फंक्शन के लिए क्या कंडीशन थी, इनवर्टिबल फंक्शन के लिए क्या कंडीशन थी, पहले फंक्शन वन वन होना कंपलसरी है, सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज, तो आपने देखा कि सिंगल एलिमेंट क्या आ रही है सिंगल इमेज आ रही है, तो क्या हो गया ये फंक्शन वन वन हो गया। ऑन टू के लिए रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या होना चाहिए कोडोमेन, तो अब यहां पर देखो रेंज क्या है इसकी, यही इसकी रेंज है और यही क्या है इसका कोडोमेन है, इट मींस ये फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है, तो इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर बात करें साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा लेकिन कहां पर, अगर माइनस 90 से प्लस 90 लेते हैं, तो अगर भाई मिस्टेक आपने कहां ले लिया जीरो टू पाई ले लिया सपोज, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि डोमेन डिसाइड हो रहा है आपका, सपोज आपने इस तरह ले लिया
मैंने ले लिया जीरो, साइन जीरो क्या होता है जीरो, पाई बाई सिक्स क्या होता है वन बाई टू, 45 क्या होता है आपका वन बाई रूट टू, पाई बाई सिक्स थ्री क्या हो गया आपका रूट थ्री बाई टू, 90 क्या हो जाएगा आपका वन। अगर बाहर 120 की बात करें तो 2 पाई बाई थ्री की बात करें तो 2 पाई बाई थ्री वैल्यू देख क्या आएगी, इसे कर सकते हैं 90 प्लस 30 कर सकते हैं या 180 माइनस 60, अगर 180 माइनस 60 क्या आएगा साइन 60 वैल्यू क्या होती है रूट थ्री अपॉइंट टू, इट मीन 120 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 120 वैल्यू क्या है रूट थ्री अपॉइंट टू, पाई बाई थ्री कितना है रूट थ्री अपॉइंट टू, इट मीन दो एलिमेंट की एक इमेज, क्या ये फंक्शन आपका वन वन फंक्शन है। अब देखिए अगर आपने गलती से भी ये क्या ले लिया जीरो टू पाई ले लिया तो इट मीन्स ये रॉन्ग हो जाएगा, ये फंक्शन आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वन वन पे फेल हो जाएगा। तो इसलिए जितने फंक्शन होते हैं उनका एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो आपने यहां ये देख लिया होगा साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि उससे एक प्रॉब्लम निकलेगी आपके लिए। अब बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, अगर हमें कॉस का ग्राफ ड्रॉ करना है कॉस एक्स, तो देख कॉस जीरो क्या होता है वन, 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, 180 की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, 3 पाई बाई टू क्या होता है आपका जीरो, 2 पाई क्या होता है वन। आपको यह पता होना चाहिए, अगर आपको यह पता है तो इट मीन्स आप बहुत इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, उसका डोमेन डिसाइड कर सकते हैं, उसका रेंज डिसाइड कर सकते हैं। और बिना डोमेन रेंज के आप जो आपको प्रॉब्लम मिलने वाली बोर्ड में प्रिंसिपल वैल्यू वाली आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए बात कर लेते हैं, यहां पर कॉस जीरो वैल्यू क्या होती है वन, 90 वैल्यू क्या होती है जीरो, 180 क्या होता है माइनस वन, 3 पाई बाई टू क्या होता है जीरो, 2 पाई क्या होता है वन। अब देखिए बात कर लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया था जहां वैल्यू प्लस वन होगी वहां ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा, जहां वैल्यू क्या होगी आपकी नेगेटिव होगी वहां ग्राफ आपका एक्स एक्सिस से नीचे जाएगा, और जो जीरो होगी वहां ग्राफ एक्स को टच करेगा। अब देख लेते हैं कुछ ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए आपको ड्रॉ करना वाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, तो देख कॉस ये आपका जीरो हो गया, दिस इज 90, 180, 3 पाई बाई टू एंड 2 पाई, इतना इनफ है। तो यहां पर सेम ऐसे यहां कर लेते माइनस 90, माइनस 180, माइनस 3 पाई बाई टू, इतना इनफ है। आप चाहो तो इधर भी 2 पाई तक ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है 1, प्लस 1 है तो ग्राफ कहां जाएगा ऊपर, यहां पर वैल्यू कितनी होती है इसकी माइनस, यहां पर क्या आएगा जीरो। तो बात कर लेते हैं आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए जीरो वैल्यू क्या होती है हाईएस्ट, यहां वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो ग्राफ कहां जाएगा नीचे की तरफ, यहां पर क्या हो जाएगी दोबारा जीरो हो जाएगी, इस तरह आपका ग्राफ चलता रहेगा। इस तरह देखिए आपका ऐसा कुछ ग्राफ आएगा यहां से, ये आपका ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं इसका डोमेन क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी। डोमेन देखिए, डोमेन क्या होता है जो थीटा के जो वैल्यू जो पुट करते हैं वो होता है डोमेन, और पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या होती है रेंज। अब मैं बात कर रेंज की, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कहीं चेक कर ले, यहां चेक करें या यहां चेक कर लें, तो वैल्यू हाईएस्ट कितनी है इसकी प्लस वन, और मिनिमम कितनी है इसकी देखिए, मिनिमम की बात करें मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी माइनस वन, तो हाईएस्ट वैल्यू होगी आपकी ये प्लस वन और मिनिमम की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस वन। तो इट मीन्स ये अगर बात करें कॉस एक्स एक फंक्शन है, तो यहां पर ये शो कर रहा है डोमेन, देखिए बात करेंगे बाद में, इसका हाईएस्ट वैल्यू प्लस वन और मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी माइनस वन, इसकी डोमेन ये आपकी रेंज आ गई है। अब बात करेंगे डोमेन के बारे में, तो पहले हम करते हैं इसका रेस्ट्रिक्शन करते हैं। अब यहां करेंगे देखिए रेस्ट्रिक्शन कैसे होगा, इस तरह से थोड़ा कट कर लेते हैं इसको, इस तरह हमने कट कर लिया यहां से, ये भी हमने इस तरह कट कर लिया। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे यहां से कट क्यों कर रहे हैं, उसका आपको प्रूफ मिल जाएगा। देखिए मैंने वन वन प्रूफ करने के बहुत सारे मेथड बताए थे आपको, वैल्यू पुट करने वाले बताए थे, ग्राफिकल मेथड बताया था मैंने, बताया था आपको अगर कोई ग्राफ गिवन है, अगर आप उस ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर ये लाइन इस ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है तो फंक्शन कैसा होगा आपका, इंजेक्टिव होगा, वन वन होगा। अब जरूरी बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ग्राफ जो ग्राफ के बने ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो ऊपर ड्रॉ करनी कि नीचे ड्रॉ करनी, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो ये लाइन आप एक्स एक्सिस को ऊपर ड्रॉ कर लें या नीचे ड्रॉ करें, लेकिन ये जो लाइन है इस ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पर टच करनी चाहिए, तभी फंक्शन आपका क्या होगा,
इंजेक्टिव फंक्शन होगा, बन बन होगा। तो इट मींस ये बन बन हो चुका है। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है? बन बन तो आपका हो गया क्योंकि यहां पर एक पॉइंट टच कर रहा। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है? अगर रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या हो गया? को डोमेन। देखिए अगर रेंज ऑफ फंक्शन को डोमेन के इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा। इस केस में चेक कर लें आप, जीरो से पाई के बीच में अगर चेक करेंगे, जीरो से लेकर पाई तक चेक करेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन को डोमेन और फंक्शन क्या होगा? दोनों इक्वल होंगे। तो इट मीन फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। तो वन वन हो चुका है, ऑन टू हो चुका है, तो इट मीन इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं, देखो रेंज कितनी है इसकी? हाइएस्ट वैल्यू प्लस वन, मिनिमम वैल्यू माइनस वन। अब देखिए यहां पर एंगल कितना आपका? जीरो डिग्री। और यहां पर एंगल कितना है? पाई। जीरो टू पाई, ये क्या आ गया आपका? ये आपका हो गया डोमेन, ये आपका हो गया रेंज। अब मुझे निकालना लेकिन इनवर्स का, तो इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, कॉस इनवर्स का निकालना है। तो यहां पर डोमेन हो जाएगा माइनस वन टू प्लस वन और रेंज क्या हो जाएगी? जीरो टू पाई। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। और आपने देख लिया कॉस का जो इनवर्स होता है एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, इसका क्या होगा? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उससे बाहर आप जाओगे तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आपने यहां चेक कर लिया है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्राफ टेन इनवर्स के बारे में। देखिए अब टेन इनवर्स में ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। टेन एक्स वाई इक्वल टू टेन एक्स। अब देख बात कर लेते हैं इसमें क्या है। टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफिनिटी होती है। 180 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। 3 पाई बाई टू क्या होता है? इनफिनिटी आएगा इसमें भी। और 2 पाई कितना होता है? जीरो। चाहे प्लस वन है तो बात की बात है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहां पर, समझने की कोशिश करें, बहुत ही इजी है, हार्ड नहीं है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? आप लोगों ने अभी सुना था कि अगर वैल्यू प्लस वन है तो ग्राफ आपका एक्स एक्स से ऊपर जाएगा, नेगेटिव बने तो ग्राफ नीचे जाएगा, और अगर वैल्यू जीरो है तो ग्राफ टच करेगा। लेकिन प्रॉब्लम सारी क्या आ गई? यहां तो प्लस वन माइनस वन है ही नहीं है, आप कहां टच कराएंगे, कहां टच नहीं करेंगे पता चलेगा। और जीरो है ये तो पता है, जीरो है तो टच करेगा, ये तो पता लग गया। बाकी ग्राफ कैसा बनने वाला है ध्यान से देखे, बहुत ही है। ये आपका होगा जीरो, दिस इज 90, 180, 3 पाई बाई टू एंड दिस इज 2 पाई, इतना इनफ है। माइनस 90, माइनस 180, माइनस 3 पाई बाई टू और ये आपका होगा माइनस 2 पाई, इतना इनफ है। देखिए समझने की कोशिश करें, बहुत ही इजी है और आपको बहुत चीज क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ ड्रॉ करते कैसे हैं, इसका डोमेन कैसे डिसाइड करते हैं, इसकी रेंज कैसे डिसाइड करते हैं। बहुत इजी है, हार्ड नहीं है कुछ भी इसमें ऐसा कुछ। अब देखिए जहां वैल्यू क्या है? इनफिनिटी जा रही है, वहां पर आप डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर लें, डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए आपने देखा कि 90 वैल्यू क्या आ रही है? इनफिनिटी, तो डॉट डॉट लाइन। 3 पाई बाई टू पे क्या आपका? डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर लें, डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। सेम एयर आपने क्या किया? डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। देखिए जहां वैल्यू इन्फिनिटी शो कर रहा है, यहां पर वैल्यू क्या कर रहा है आपका? इन्फिनिटी, डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। देखिए कहने का सेंस है कि जहां पर आपको ऑड पाई बाई टू, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, जहां ऑड पाई बाई टू मिलेगा वहां पर आपको इस तरह की डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको, जहां पर आपकी वैल्यू जीरो मिल जाए वहां ग्राफ एक्स एक्स क्या करेगा? टच करेगा। जीरो वैल्यू क्या दे रहा है? जीरो। 180 वैल्यू क्या है? जीरो। 2 पाई वैल्यू क्या है? जीरो। तो नॉर्मली देखें साइन 90 वैल्यू क्या होती है? इनफिनिटी। तो आप ग्राफ इनफिनिटी से आएगा या जीरो हो गई, इनफिनिटी में निकल गया, इस तरह निकल जाएगा। सेम ईयर आपका ग्राफ इनफिनिटी से आएगा, इस तरह करके निकल जाएगा, इस तरह से। देखिए ऐसे सेम ईयर यहां देख लेते हैं, आपका ग्राफ कहां से आ रहा है? इनफिनिटी से आएगा और इसको टच करके इस तरह निकल जाएगा। देखिए आपने इस तरह से टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। देखिए अभी टेन का ये ग्राफ जो ड्रॉ किया टेन का किया है, अभी इसका मैं डोमेन रेंज रिप्लेस कर दूंगा इससे, तो इससे आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। देखिए कभी भी ये जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये ग्राफ कभी भी इस डॉटेड लाइन को
टच नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इन्फिनिटी एक फिक्स वैल्यू नहीं है। आप ये नहीं कह सकते इन्फिनिटी इतना होता है, डिसाइड नहीं, आपको ये कंफर्म नहीं है कि इन्फिनिटी एक एग्जैक्ट वैल्यू है कितनी इन्फिनिटी की। तो इसलिए अगर आपने इसको टच कर दिया तो इट मींस आपने इन्फिनिटी की रिसर्च कर दिया आपने, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो हमेशा याद रखें, कभी भी ये जो ग्राफ है इस डॉटेड लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्रेक कहां जा रहा है, जैसे जैसे देखो ये लाइन लेंथ बढ़ती जाएगी, ये जो ग्राफ है इस लाइन के पास आप चले जाएगा, लेकिन कभी इसको टच नहीं करेगा। तो अब बात कर लेते हैं, देखिए मैंने कहा था फंक्शन वन वन ऑन टू होना कंपलसरी है, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर मैंने इस पूरे ग्राफ में एक्स के पहले लाइन ड्रॉ की तो देखिए ये क्या कर रहा है, एक दो और तीन, तीन पॉइंट पर इस ग्राफ को टच कर रहा है, तो इट मींस इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि मैंने बताया था अगर हम एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन इस ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पर टच करनी चाहिए, लेकिन क्या कर रही है, तीन पॉइंट पर टच कर रही है। तो क्या करेंगे हम, इसका रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं, रेस्ट्रिक्शन ये पूरा हमने गायब कर दिया, ये भी हमने गायब कर दिया, ओनली क्या है ये सिंगल लाइन आगे, देखिए सिंगल आपको दिख रही होगी, ओनली ये कर्व वाली ग्राफ ये दिख रहा है, कर्व दिख रहा है आपको, ओनली इतना छोड़ दिया हमने, बाकी क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन कर दिया, हटा दिया। अगर हम अब एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पर टच करती है, एक पॉइंट पर। अगर एक पॉइंट पर टच करती है तो इट मींस ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, वन वन हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। तो इट वन 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 हो चुका है। अब बात करते हैं ऑन टू की, अगर मैं मान देता हूं ये कहां जा रहा है, माइनस 90, देखिए ये माइनस 90 प्लस 90 के बीच में चल रहा है, देखिए ध्यान से, ये आपका माइनस 90 ये प्लस 90 और इसको टच नहीं कर रहा, देखिए ध्यान से। तो इट मींस अगर आप माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में 10 की वैल्यू चेक करेंगे तो इट मींस इस केस में फंक्शन आपका ऑन टू भी होगा। इट मींस रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या होगी, कोडोमेन के इक्वल होगी। अब देख लेते हैं यहां पर वन वन, देखिए वन वन हो चुका है, अब ऑन टू के लिए क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या होगा, कोडोमेन, ये कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा। अब ये फंक्शन आपका वन वन हो चुका है और ऑन टू हो चुका है। अब यहां से अगर देखें टेन एक फंक्शन है, टेन एक्स, हम बात कर लेते हैं यहां पर टेन के बारे में। टेन आपने वन वन प्रूफ कर लिया है कि अगर एक्स के पहले लाइन ड्रॉ की है तो एक पॉइंट टच कर रही है तो आप फंक्शन हो चुका है इंजेक्टिव, क्योंकि सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज। अब बात करते हैं ऑन टू के बारे में, अगर ऑन टू में चेक करें ये आपका है प्लस 90, ये आपका है माइनस 90, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच चेक करेंगे तो फंक्शन आप क्या होता है, ऑन टू भी होता है। इट मींस रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या होती है, कोडोमेन। तो फंक्शन आपका वन वन हो चुका है, ऑन टू हो चुका है। अब देखिए बात करें डोमेन मतलब क्या होता है, एंगल, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसकी, प्लस 90 और मिनिमम वैल्यू कितनी शो कर रहा है, माइनस 90। अब देखिए अब लेकिन यहां पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों आएगा, मैंने आप अभी आपको बताया था ये जो ग्राफ है कभी भी इस एक्सिस को इस लाइन को टच नहीं करेगा, हमेशा इसके पास जाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल बिल्कुल जितना हो सके पास होगा लेकिन कभी इसको टच नहीं करेगा। इट मींस अगर टच नहीं करेगा तो क्या आएगा, पाई बाई टू पे क्या होगा, ओपन इंटरवल। यहां पर क्या माइनस 90, इस पे भी क्या होगा, ओपन इंटरवल। अब बात कर लेते हैं यहां पर वैल्यू के बारे में, रेंज के बारे में। अब देखिए हाईएस्ट वैल्यू कहां जा रही है, इन्फिनिटी तरफ, ये क्या है प्लस इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी मिलेगा नहीं मिलेगा तो क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल। और यहां पर क्या जा रहा है, माइनस 90, तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी, आएगा माइनस इन्फिनिटी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, माइनस इन्फिनिटी और ये क्या आपका प्लस इन्फिनिटी। तो आपने देखा कि क्या लगाया हमने, यहां पर ओपन इंटरवल लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि ये कर्व कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा। इट मींस ये आपका आ चुका है डोमेन, ये आपका आ चुका है रेंज, लेकिन ये किसका है, वाई इक्वल टू टेन एक्स का है। अब मुझे फाइंड करना है टेन इनवर्स एक्स के लिए, तो टेन इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन माइनस 92 चेंज हो जाएगा, देखिए अब यहां चेंज हो जाएगा माइनस 92 प्लस 90, ये क्या बन जाएगी इसकी रेंज, और ये क्या बन जाएगा इसका डोमेन, क्योंकि हमने ये फाइंड किया था टेन एक्स का फाइंड किया था, अब हम फाइंड करें टेन इनवर्स का। तो इट मींस अब इसकी जो रेंज है इसके लिए डोमेन का वर्क करेगी और इसका डोमेन इसके लिए रेंज का वर्क करेगा। इट मींस माइनस 90 से प्लस 90 ये आपका आ चुका है। अब देखिए हालांकि अगर आपको ग्राफ समझने में टफ लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके इजीली इजी वे में डायरेक्ट आप इसके डोमेन रेंज लर्न कर लें या रट लें, जैसे भी कर लें देखिए, लेकिन आपको सही तरह रटना पड़ेगा इसका डोमेन और रेंज, इसके बिना यहां प्रॉब्लम आप नहीं कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और ग्राफ के बारे में, लेकिन उतना इतना ही इनफ है।
इसलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमने साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये मिक्स हो जाता है कि इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होती है, बहुत मेजर प्रॉब्लम हमारे साथ रहती है और हम ये कर नहीं पाते हैं और हमें लर्न करने बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये साइन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स और एक आपका हो गया कोसेक इनवर्स और एक आपका टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, ये तीनों एक कैटेगरी के होते हैं। लर्न करना बहुत ही आसान है, बहुत ही लिए फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर आपसे कहता है साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स टेन इनवर्स, ये तीनों एक कैटेगरी के हैं, तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं। देखिए इसके डोमेन बात करें क्या आएगा, माइनस वन टू क्या होता है प्लस वन, और रेंज क्या शो करता है माइनस 92 प्लस 90। अब सेम ऐसी चेक कर लेते हैं, अब कोसेक में देखें वैल्यू क्या होगा, देखिए रेंज क्या होती है इसमें डोमेन देखिए ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग क्या होता है माइनस 12 क्या होता है प्लस 1। अब लेकिन रेंज क्या आएगी सेम ऐसी माइनस 92 प्लस 90 सेम वही रहेगा। अब आपको लेकिन ये पता होना चाहिए साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो होता है जीरो, तो कोसेक जीरो क्या होगा नॉट डिफाइंड, हमें फंक्शन को नॉट डिफाइंड से बचाना है। इट मींस क्या आएगा ये आपका हो जाएगा, इट मींस इसकी रेंज में क्या आएगा माइनस 92 प्लस 90 आएगा लेकिन क्या नहीं आ सकता जीरो, जीरो क्या हो रहा है नॉट डिफाइंड। ऐसी बात करें टेन के बारे में, टेन इनवर्स है तो इसका देखो डोमेन क्या पता ही आपको माइनस इन्फिनिटी टू क्या होता है प्लस इन्फिनिटी, हालांकि आपको इसकी नीड नहीं पड़ेगी, डोमेन की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि हम जो चेक करते हैं रेंज चेक करते हैं, तो ये भी क्या होता है आपका माइनस 92 प्लस 90। आपको इतना लर्न करना बस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर आपसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करवाता है तो आप समझ जाना कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लर्न करना पड़ेगा। अगर लर्न नहीं हो रहा तो रट लें आप, मैं आपको ये कहूंगा या तो इसे रट लें या लर्न कर लें जैसा आपको लगे करना है। लेकिन आपको साइन इनवर्स हो गया क्या होता है माइनस 92 प्लस 90, कोसेक क्या होता है माइनस 92 प्लस 90 एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो इसके अंदर नहीं है। अब देखिए टेन क्या होता है माइनस 92 प्लस 90, ये तीनों एक कैटेगरी के हैं, लर्न करना बहुत ही आसान है। माइनस 92 प्लस 90 माइनस 90 पर देखिए सेम सेम है, आप कितने आते हैं माइनस 90 प्लस 90 वाले तीन केस हो गए। सेम इसी तरह से बात करें कॉस इनवर्स, अगला आपका होगा सेक इनवर्स, सेक इनवर्स हो गया, नेक्स्ट आपका हो गया कॉट इनवर्स, ये तीनों एक कैटेगरी के हैं। अब ये भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, देखिए आप लोगों ने इसे देखा होगा कॉस इनवर्स देखिए इस तरह देखिए सेम क्या होता है, यहां बात लेते हैं इसकी भी, देखिए रेंज क्या होती है जीरो टू पाई, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सेक भी क्या होता है जीरो टू पाई, अब बात कर लेते हैं लेकिन इसकी रेंज के बारे में, सेक इनवर्स अब कहां पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा देखिए, अब मैं बात करूं कॉस के बारे में, कॉस 90 वैल्यू क्या होती है जीरो, तो सेक 90 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मुझे नॉट डिफाइंड से बचाना है। तो इट मींस क्या होगा इसकी रेंज में सब कुछ होगा लेकिन क्या होगा 90 नहीं होगा। सेम ऐसी कॉट के बारे में बात कर रहे हैं, कॉट में क्या होता है देखिए सेम आपका आएगा जीरो टू पाई, यहां पर क्या आएगा ओपन इंटरवल जीरो टू पाई। अब लेकिन टेन देखिए कहां पर होता है, टेन जीरो कितना होता है जीरो, टेन जीरो होता है जीरो, तो कॉट जीरो क्या होगा इसमें देखिए बात करते हैं कॉट जीरो के बारे में, तो कॉट जीरो क्या होता है देखिए अब यहां पर लेकिन कॉट जीरो क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है लेकिन जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहां पर क्या रहा ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल का मतलब है जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, जीरो से बाहर है। तो यहां चेक कर लेते हैं, देखिए कॉस जीरो टू पाई, सेक इनवर्स जीरो टू पाई, कॉट जीरो टू पाई, आप बहुत ही फाइंड कर सकते हैं, इसके बिना आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। ध्यान रखना अगर आपने ये कर लिया तो इट मींस आपको एक मार्क्स की ये प्रॉब्लम क्लियर हो चुकी है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, आपने सिंपल प्रॉब्लम आपने देखी ली है इसी तरह निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगर सब कुछ आपको प्रॉब्लम किसमें मिल गई नेगेटिव मिल गई तो नेगेटिव प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सपोज आपको मिल गया साइन इनवर्स, पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स मिल गया, तो आप इसे कर सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, आपको मिल गया कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो आप इसे कर सकते हैं डायरेक्टली माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, अगर आपको मिल गया टेन इनवर्स माइनस एक्स तो डायरेक्टली करेंगे टेन इनवर्स एक्स। तो आपने देख लिया का साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स टेन इनवर्स, ये तीनों एक कैटेगरी के हैं, अगर इनमें नेगेटिव आपको मिल गया तो नेगेटिव आप डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट
सेकंड केस के बारे में, अगर आपको मिल गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो आप इसे करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर आपको मिल गया सेक इनवर्स माइनस एक्स तो आप कर सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो इट मीन्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए इस पर प्रॉब्लम, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं नेगेटिव वाला, इस पर बहुत प्रॉब्लम आपको मिलेंगी एग्जाम में। अब तीन तरह की प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट वाली तो होती है पॉजिटिव वाली, जो मैंने करा दी है वो बहुत ही इजी है, कोई भी सॉल्व कर लेता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है नेगेटिव वाली, ये आप बहुत ही केयरफुली पढ़ें। एक थर्ड प्रॉब्लम और बचेगी, उसे मैं सॉल्व कराऊंगा इसके बाद। अब बात कर लेते हैं इन नेगेटिव प्रॉब्लम पर। इस तरह के अगर आपको एंगल नेगेटिव आ जाए तो उसका रेंज किस तरह से मैच कराएंगे वो चेक कर लेते हैं। देखिए सपोज मैं बात कर लेता हूं साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट टू, ऐसे एक प्रॉब्लम आ गई। सपोज मैंने आपको भी लिखा है थोड़ी देर पहले साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट टू, ये आपको प्रॉब्लम के बने। तो मैंने अभी बताया था अगर साइन में आपको इनवर्स साइन इनवर्स माइनस एक्स मिल जाए तो नेगेटिव कहां आता है उसमें बाहर आता है। तो यहां इस तरह कर लेते हैं इसको, तो यहां से आएगा इक्वल टू लगा के माइनस साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू। अब देखिए साइन में वन अपॉन रूट टू वैल्यू कितने की होती है पता आपको, साइन 45, तो आप इसे कर सकते हैं माइनस साइन इनवर्स साइन 45। साइन साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस 45। अब देखिए माइनस 45 काम एच करने दिए साइन में, साइन की रेंज क्या होती है माइनस 92 प्लस 90। अब आप चेक कर लें इसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इसमें मैच कर गया तो इट मींस ये इसकी क्या हो गई प्रिंसिपल वैल्यू हो चुकी है। और देख लेते हैं थोड़ी, एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ये देख, सपोज ऐसी आ गई टेन इनवर्स वन, वो भी कैसा नेगेटिव वन आ गया सपोज। तो ऐसी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे, अभी मैंने बताया था आपको नेगेटिव क्या करेंगे बाहर निकाल लेते हैं। तो टेन इनवर्स वन हो जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, टेन में वन क्या होता है 45, इक्वल टू माइनस एज इट इज टेन इनवर्स टेन 45, टेन से टेन क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आएगा माइनस 45। और टेन की रेंज क्या होती है माइनस 92 प्लस 90, क्या होता है ओपन इंटरवल। ये आपको पता होना चाहिए कि छोटी छोटी बातें अगर आपने अभी क्लियर कर ली तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो इस तरह से अगर साइन इनवर्स में टेन इनवर्स में या कोसेक इनवर्स में अगर आपको नेगेटिव मिलता है तो कुछ नहीं करना आपको, नेगेटिव बाहर निकालें, जो वैल्यू आपको सपोज ये गिवन थी उस तरह वैल्यू पुट करें या कैंसिल कर दें। आपका मेन टारगेट यहां पर इनवर्स कैंसिल करना है और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस सेक और कॉट के बारे में, ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए सपोज आपके बने कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉइंट टू। अब देखिए अगर कॉस में अगर आपको प्रॉब्लम मिल गई, और इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि बच्चों बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं पता ही नहीं होता उन्हें। पहली बात तो उनको डोमेन रेंज नहीं पता होता है, अगर डोमेन रेंज पता भी होता है तो नेगेटिव मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली पढ़ें, और जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही सिलेक्टिव कंटेंट है, आधे जो अनयूजुअल चीजें हम लोगों को नहीं पढ़ा रहे क्योंकि बहुत टाइम की शॉर्टेज है हमारे पास, तो हम आपको बहुत ज्यादा डेप्थ उतना ले जाएंगे, लेकिन जितना पढ़ लोगे उतना इनफ है आपके लिए। देखिए तो कॉस इनवर्स यहां पर क्या रहा है नेगेटिव, क्या करते नेगेटिव के लिए पाई माइनस क्या लिखते हैं कॉस इनवर्स एक्स। अभी हमने बताया था आइडेंट लिख लेते हैं साइड में, अभी हमने बताया था आपको अगर आपको मिलता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो आप कर सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स से कर सकते हैं। देखिए तो हमने क्या लिख दिया कॉस इनवर्स माइनस एक्स था, क्या कर लिया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब देख कॉस में वन अपॉइंट टू वैल्यू चेक कर दें किसकी होती है, ये आपको पता होगा कॉस में वन अपॉइंट टू बताइए किसकी वैल्यू होती है, अगर आपको पता है तो बहुत इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज आप यहां ही फंस जाएंगे आप, क्योंकि नॉर्मली आप टेंथ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कॉस में वन अपॉइंट टू वैल्यू कितनी होती है। देखिए तो यहां से आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या होती है कॉस पाई बाई थ्री, देखिए कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आएगा पाई माइनस पाई बाई थ्री, एलसीएम ले लेते हैं क्या थ्री पाई माइनस पाई दैट इज क्या आएगा टू पाई अपॉन थ्री। अब देखिए टू पाई ये क्या होता है, पाई कितना होता है 180, टू थ्री से डिवाइड करो कितना आएगा 60, इंटू टू क्या आएगा 120, 120 क्या होता है जीरो टू 180 में बिलोंग करेगा नहीं करेगा, देखिए जीरो टू 180 बीच में आता है, चेक कर लें आप। तो इट मीन्स यहां से इसकी हमने क्या फाइंड कर दी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर दी है। एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं हम, सेक इनवर्स या फिर कॉट इनवर्स की प्रॉब्लम और देख लेते हैं नेगेटिव में।
देखिए नेक्स्ट आपका सपोज sec इनवर्स ले लेते हैं, sec इनवर्स माइनस रूट टू, ये क्वेश्चन आ गया। सपोज अभी हमने पढ़ाया था अगर sec इनवर्स, cos इनवर्स, cot इनवर्स, इनमें अगर आपको नेगेटिव मिल जाए तो क्या करते हैं पाई में से माइनस करते हैं। देख लेते हैं पाई माइनस sec इनवर्स रूट टू। अब आपको यह पता होना चाहिए कि sec में रूट टू वैल्यू होती कितने की है, तो यहां से लिख सकते हैं sec इनवर्स, इसे लिख सकते हैं sec पाई बाई फोर, 45 की होती, पता होना चाहिए आपको। तो यहां से क्या कर दिया पाई आपका एज इट इज, नेगेटिव एज इट इज, ये एज इट इज, हमने इसको लिख दिया sec 45, तो sec से क्या होगा sec कैंसिल, तो यहां से आएगा पाई माइनस पाई बाई फोर, क्या लेते हैं एलसीएम क्या आएगा 4 पाई माइनस पाई, तो यहां से आएगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 दैट इज 3 पाई अपॉन 4। अब देखिए 3 पाई अपॉन 4 क्या होता है, पाई कितना होता है 180, 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 45, 3 से इनटू 135, 130 में क्या आएगा इसके डोमेन मैच रेंज चेक कर लेते हैं, रेंज क्या होती है देखिए sec, sec मतलब क्या होता है cos वाली कैटेगरी, तो क्या आएगा 0 टू पाई, एक्सक्लूडिंग क्या आएगा इसमें 90। तो आपको बताएं 135 जीरो से लेकर 180 के बीच में होता है लेकिन 90 नहीं होता, ये पता लग गया आपको, तो आपने फाइंड कर लिया है। इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको सेकंड केस पढ़ा दिया है, अब आते हैं थर्ड केस के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे से मिस्टेक कर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। देखिए बात कर लेते हैं यहां प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में, थर्ड केस है आपका, आपने फर्स्ट केस पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिफोर थर्ड केस के बाद आप ये स्टडी करेंगे यहां पर एएसटीसी के बारे में। अब एएसटीसी होते क्या है, आफ्टर स्कूल टू गो कॉलेज, या फिर आफ्टर स्कूल टू गो कोचिंग कह सकते हैं। तो यहां पर आपको 10th से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है साइन कोसेक पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन कॉट पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कॉस सेक पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव होता है। तो आपको पता ही है, और ट्रिकोनोमेट्री में 180 प्लस और माइनस वैल्यू क्या होती है नो चेंज, 360 में करो आप प्लस माइनस वैल्यू क्या होती है नो चेंज, बस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस का साइन आएगा। तो अगर मैं प्रॉब्लम आपको इस तरह से दे देता हूं, सपोज मैंने आपको प्रॉब्लम दे दी साइन इनवर्स साइन 3π/4, समझने की कोशिश करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं और उनसे आंसर नहीं निकलता, और ये प्रॉब्लम एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ें क्योंकि थोड़ी टफ पड़ती है थोड़ी सी। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे साइन इनवर्स से क्या हो गया ये कैंसिल हो गया, देखिए बहुत सारे करेंगे इससे ये कैंसिल, आंसर क्या आएगा 3π/4। अब देखिए 3π/4 क्या होता है, डिवाइड करेंगे पाई, पाई क्या होता है 180, 4 से डिवाइड किया कितना आएगा 45, इंटू 3 क्या आएगा 135, 135 क्या माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आता है, बिल्कुल नहीं आता, बाहर निकल रहा है इसकी रेंज से। अब आपने देखा कि ये इसकी रेंज से क्या निकल रहा है बाहर, तो इट मींस आप यहां लगाएंगे कट, इट मींस ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती, अगर नहीं हो सकती तो क्या करेंगे इसे कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या होनी चाहिए देखिए। अब मुझे पता साइन कहां का पॉजिटिव होता है, साइन फर्स्ट में पॉजिटिव और सेकंड पॉजिटिव, ठीक है जी अच्छी बात है, यहां पर क्या आता 3π/4, अब पाई कितना होता है बेटे 180 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 45, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 135, अब 135 क्या करना देखो 135 180 के आसपास है, कितना पास है 45 कम पड़ रहा है, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो आप करेंगे इसको साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई फोर, चेक कर लें देखिए अभी भी क्या लिखा हुआ है 180, ठीक है 180 माइनस 45 135 लिखा हुआ है, आपको चेक करना देखिए। आपने पढ़ा है साइन इनवर्स आपका एज इट इज, 10th में क्या पढ़ा है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो क्या आएगा साइन पाई बाई फोर, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा 45 बिलोंग क्या करेगा माइनस 90 टू प्लस 90, तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू मैच कर रहा है, इट मीन ये इसकी प्रिंसिपल हो चुकी है। तो ये देख आपने ऑब्जर्व किया कि इसके रेंज के अंदर आ रहा है, माइनस 90 से प्लस 90 बीच में क्या आता है 45 आता है, तो इट मीन ये इसकी क्या हो गई प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी ये करेक्ट वैल्यू क्या है 45 ना कि 3π/4। और प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं, अभी हमेशा ध्यान रखें इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 180 माइनस या प्लस, 360 माइनस या प्लस अलाउ करना बस, इसके अलावा आप 90 माइनस या प्लस,
270 माइनस या प्लस ये आपको अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या होता है, इनवर्स कैंसिल करना। अगर हमने 90 प्लस या माइनस कर दिया तो क्या साइन कैसे कन्वर्ट होगा, कॉस में, पर कॉस से आप ये कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। और देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम इसमें। सपोज क्वेश्चन ऐसा आ गया आपके लिए, कॉस इनवर्स कॉस 5π/4। बहुत सारे बच्चों माइंड में बात आएगी, समझने की कोशिश करें, ऐसे एक प्रॉब्लम हमने उठा ली कहीं से भी। देखिए पाई कितना होता है आपका 180, 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, अब कुल मिला के 180 से ऊपर जा रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या आएगा 5π/4। अब देखिए 5π/4 क्या होगा, बिलोंग्स टू 0 to π, आपको पता है ये वैल्यू 180 से ग्रेटर है तो क्या आएगा नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए कितनी वैल्यू होती है, चेक कर लेते हैं, पाई कितना होता है 180, 4 से डिवाइड किया कितना आएगा आपका, आपका 4 से अगर डिवाइड कर लेता आएगा 45, अगर हम इससे 5 से डिवाइड कर जाएगा 225 डिग्री आ गया। अगर बात डिग्री में बात करें तो अब देखिए, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 180 प्लस करेंगे, अगर आपने 180 प्लस किया तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड में कॉस आता है क्या, नहीं आता, फिर नेगेटिव फंस जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको 360 से माइनस करना पड़ेगा। अब अगर नॉर्मली मैं थोड़ा बात करूं, ये आपका इस तरह देख लेते हैं, 5 × 180/4 डिवाइड किया 4 से कितना आएगा 45, मल्टीप्लाई करने क्या आएगा 225। अब 225 को बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 180 प्लस करेंगे। अब देखिए अगर आपने ये 180 प्लस कर लिया तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉस आता है, नहीं आता है, तो इसलिए 180 प्लस पे नहीं होगा। तो फिर कहां पहुंचाएंगे इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा 360 माइनस। अब देखिए 360 से कितना कम है, चेक कर लेते हैं एक बार, यहां पर चेक करिए कितना कम है 360 से, अगर हम चेक करें 360 से चेक कर लेते हैं 225 तो कितना कम है 5, यहां से क्या आएगा आपका 4, यहां से कितना आएगा आपका 145 कम है, तो इट मींस इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस, अब देखिए 145 क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर लेंगे यहां पर। अब क्या करें इसके लिए, 2π माइनस अगर हम करते हैं 3π/4 135। देखिए अब यहां बात कर लेते हैं इस तरह से, देखिए 135 आ गया आपका। अब हम बात करें ये क्या है आपका, कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस 3π/4, अभी भी आपका लिखा हुआ है ये सेम लिखा हुआ है। अब लेकिन 2π देखिए कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा तो यहां से आएगा कॉस इनवर्स कॉस 3π/4, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, 3π/4 बिलोंग्स टू क्या आएगा 0 to π। इस तरह इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है। ये लास्ट में जो लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं, इसमें आपको पता लग जाएगा। सपोज मैं ऐसी एक प्रॉब्लम लिख लेता हूं, यहां पर एक प्रॉब्लम और देखते हैं। सपोज ऐसी प्रॉब्लम आ गई आपको, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ये प्रॉब्लम आ गई, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब देखिए पाई कितना होता है 180 क्या करेंगे 6 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 30 × 7 क्या आएगा 210। अब 210 210 डिग्री, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे 210 के लिए क्या कर लें, 180 प्लस 30 कर लो। अगर आपने 180 प्लस 30 कर लिया तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आता है, नहीं आता, प्रॉब्लम आएगी नेगेटिव की। अगर नेगेटिव आ गया फिर आपको पाई में से माइनस करना पड़ेगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट पड़ जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखें कि आपको पॉजिटिव में पहुंचाना है। तो इट मींस ये कितना 210 डिग्री है, कहां पहुंचाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ कितना होता है 360 से कितना कम है 150 कम है, 150 कम है, तो क्या कर लेते हैं इसे कॉस इनवर्स कॉस क्या आएगा 2π से कितना कम आ रहा है बेटे। अब यहां देखो 150 कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर देखो 150 आ गया, कन्वर्ट करना पड़ गया, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, 0 0 कैंसिल कर ले, मैं बहुत ही जी करा रहा हूं आपको, 5 से 3 से 5 3 6, तो क्या आएगा देखिए, अगर हम 3 से करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा 5, ये आएगा 6, तो क्या आ गया 5π/6 आ चुका। चेक कर लें एक बार, दोबारा देख लें एक बार, ध्यान से करें इसको, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक करते हैं इसमें और बहुत प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती आपसे। पाई क्या बना आपको 180, 6 से डिवाइड किया क्या आएगा 30 के 7 से इंटू करो 210 210 डिग्री आ गया है। अब 210 को बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 180 प्लस करेंगे, दिमाग लाएंगे 180 प्लस, अगर 180 प्लस कर दिया तो कहां जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में मुझे कॉस्ट चाहिए, कॉस है क्या, नहीं है, तो कहां पहुंचेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में,
फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है 360 से कितना कम है 150 कम है, तो मैंने क्या किया 360 से 150 कम कर दिया, क्या आएगा ये 210 हो जाएगा। अब आपने क्या पढ़ा है कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहां से आएगा कॉस इनवर्स अलग रहेगा, इतना देखें बस कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 कॉस से कॉस क्या होगा कैंसिल, तो 5π/6 बिलोंग्स टू क्या आएगा 0 to π, ये आपका आ चुका है। तो इट मीन यहां से क्या आ गया आपका देखिए पाई कितना होता है 180, 6 से डिवाइड करो 30, 5 से क्या 150, 150 डिग्री 0 से लेके 180 के बीच में आता नहीं आता, आता है तो इट मीन्स बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। इस तरह आप प्रिंसिपल वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कराएंगे। थैंक यू।